इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ शानी सिंह और आप देख रहे हैं खास खबर। रंगमंच और कला इंसानी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। जरूरत होती है तो उस रंगमंच की जीवन में उतारने की। गाथा रंगमंच कला एंड संस्कृति की बैनर तले मायाराम की माया नामक थिएटर दिल्ली के मंडी हाउस स्थित श्री राम ऑडिटोरियम में किया गया। थिएटर के राइटर जयवर्धन और डायरेक्टर भावेश जोशी हैं, साथ ही मुख्य किरदार के रूप में उभरते हुए कलाकार नमन दुबे हैं। किस तरह से रंगमंच से अपनी कला को प्रदर्शित किया और क्या कुछ कहा मौजूदा लोगों ने, देखिए दिल्ली से हमारे संवाददाता सुंदर सिंह की यह खास रिपोर्ट। पंचानन पाठक नाट्य समारोह में मेरा नाटक हो रहा है, मेरे लिए तो बहुत प्रसन्नता की बात है। मैं इस नाटक का लेखक हूँ और पंचानन पाठक जी की स्मृति में ये नाट्य समारोह बहुत ही लोकप्रिय है। काफ़ी लोग लालायित रहते हैं कि इसमें उनका नाटक हो, इसमें उनका मौका मिले। और ये 9वां वर्ष है जब ये नाट्य समारोह होने जा रहा है। 8 दिवसीय नाट्य समारोह में लगभग 16 नाटक हमें देखने को मिलेंगे। तो आज मेरा नाटक था मायाराम की माया। मायाराम की माया एक लोक कथा पर आधारित नाटक है जिसमें ताना बाना सारा जो बुना गया है उसमें कहा गया है कि पृथ्वी का सबसे सीधा जीव आदमी है, इंसान है। मेरा नाम दिनेश अहलावत है। मंच आप सबका अर्थात मास का मैं प्रेसिडेंट हूँ और हमारी संस्था हर साल लगभग 20-25 लोगों की टीम जिसमें गाथा भूपेश जी, हमारे सिंह साहब, जयदेव तनेजा जी, वरिष्ठ रंगकर्मी जो हैं, हम सब मिलके एक पंचानन पाठक जी जो हमारे गुरु जी रहे हैं उनकी याद में ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं। मायाराम की माया मैंने काफ़ी बार 3-4 दफ़ा देखा है। भूपेश जी का अपना अलग टेस्ट है, उससे पहले जेपी सिंह जी के निर्देशन में भी देखा है, उनका अपना अलग टेस्ट था। और ऐसे सबका अपना अपना आइडिया होता है, अपना अपना प्रेजेंटेशन का तरीका होता है, लेकिन नाटक वो भी अच्छा था, ये भी अच्छा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे किरदार निभाते हुए बहुत अच्छा लगा क्योंकि चूंकि मैं इसका निर्देशक भी हूँ नाटक का, और मुझे इसका निर्देशन भी देखना था और साथ में ब्रह्मा का चरित्र भी निभाना था, तो थोड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य तो था। लेकिन क्या है कि एक्टिंग के साथ साथ फिर आपको निर्देशन भी करना है तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास होती हैं, तो उन जिम्मेदारियों के साथ साथ मैंने कोशिश की कि मैं इस रोल को बखूबी, जैसा कि राइटर ने लिखा है या जो संदेश वो देना चाहते हैं इसके थ्रू और जो चरित्र उन्होंने गढ़ा है, तो उसको मैं अच्छी तरह से निभा पाऊँ, मैंने कोशिश की। और आशा है दर्शकों को ये काफ़ी पसंद आया है, काफ़ी अच्छा लगा। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, हम लोगों को शौक है थिएटर में आने का, थिएटर में ये प्रोग्राम देखने का, और बहुत अच्छा लगा, मन खुश हो गया देख के। नमन दुबे का बहुत अच्छा रोल था मायाराम का, और उससे बहुत अच्छे से मतलब कई बातें सीखने को मिलती हैं बच्चों को भी, और नमन की मेहनत, उनके डायरेक्टर की मेहनत सब स्टेज पे दिखाई दे रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। जी मुझे बहुत अच्छा लगा किरदार निभाते हुए, और मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा भूपेश सर को जो मेरे डायरेक्टर हैं, जिन्होंने मुझे सिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ तक जो मैंने परफॉर्म किया है वो कर पाऊँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, काफ़ी मेहनत थी इसमें करने में, एक करेक्टर बनाने में बहुत टाइम लगा, और बाकी जो है वो ऑडियंस ने बताया। लेकिन मेरे को किसी ने बताया था कि आज शो है यहाँ पर श्री राम ऑडिटोरियम में, तो मैं स्पेशली शो को देखने आया था, और रियली शो बहुत अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग था, और 1.5 घंटे मतलब कि सारे जितने भी दर्शक थे सभी को बांध के रखा है इस शो ने। और जो मायाराम का जो रोल किया है नमन ने, बहुत अच्छे से किया है उसने, और सभी को मतलब अपने रोल से बांध के रखा है, मतलब जो 1.5 घंटे तक कोई भी दर्शक अपनी सीट से नहीं उठा, मैं तो यही कहूँगा। हम बेसिकली बताना चाहेंगे कि थिएटर अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मंच होता है, बच्चों को या जित भी कलाकार होते हैं वहाँ पे जो प्रोग्राम देते हैं, अपने अथक प्रयासों से लेखक की सारी मनोभावों को वहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, उनको मंच रूप में प्रस्तुत करते हैं, एक कठिन परिश्रम के द्वारा, कठिन मेहनत करके एक जीवंत जो उनका प्रस्तुतिकरण होता है वो बहुत सराहनीय होता है, और हमने सबने आज बहुत एंजॉय किया एक्ट को। नमस्कार, सक्षम न्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें हमारे चैनल सक्षम न्यूज इंडिया की ताजा खबरें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं
सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।